हे फूडीज़, वेलकम टू पूजा फूड वर्ल्ड चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंस्टेंट डोसा रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे मोटी सूजी से, जिसे सेमोलिना कहते हैं। और इसे बहुत जल्दी बनाया जा सकता है, हम शाम को चाय के साथ भी ले सकते हैं। और इसे बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है ये, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाए इसे। यहाँ पर मैंने लिया है मोटी सूजी 1 कप, 1/2 कप दही, थोड़ा नमक, कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया भी डाल सकते हैं आप, टमाटर भी डाल सकते हैं, जो आप डालना चाहें। अब बाउल में मैंने 1 कप सूजी डाल दी है, मोटी सूजी सेमोलिना, थोड़ा नमक मिक्स कर लेंगे हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दही डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, सूजी पानी को सोख लेती है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी भी ऐसे ही रखनी है जैसे हम नॉर्मल डोसा, चावल और दाल का डोसा बनाते हैं। इसको ऐसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये हो गया, हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। और वो पेस्ट जब उसका गाढ़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी और मिक्स करके ऐड कर लेंगे। ये मैंने पानी मिक्स कर लिया था थोड़ा। हम तवा गरम करेंगे और उस पर ऑयलिंग करेंगे। ये देखिए गरम हो गया तवा, अब इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से स्प्रेड करेंगे। इस पर टॉपिंग्स डालेंगे जो हमने रखी थी, कटी प्याज और हरी मिर्च। आप टमाटर भी डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं। इसको बिना किसी चीज़ के साथ, चटनी, सांभर, किसी अगर वो अवेलेबल ना हो तो नॉर्मल भी, रूखा भी खा सकते हैं, इतना टेस्टी लगता है ये। और बहुत जल्दी बन जाता है। अब इसको देखेंगे हम, ये नीचे से बिल्कुल चिपका नहीं है, आराम से इजीली निकल गया है। अब इसको पलटेंगे, ये देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है इस पर, नॉर्मल जैसे डोसा होता है उसकी तरह ही बन रहा है। थोड़ा सा तेल डालेंगे हम, थोड़ा दबा कर हम सेकेंगे इसे, क्योंकि हमने ऊपर प्याज और हरी मिर्च डाली थी, तो ये इसको थोड़ा हमें दबाना पड़ेगा, दबा कर सेकना पड़ेगा। अब इसे पलट देंगे हम, देखिए सेक गया है अच्छे से। अब इसको हम जैसे भी हम चाहें सर्व कर सकते हैं, सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, सांभर के साथ, नारियल चटनी, जो भी आप चाहें, चाय के साथ शाम को ले सकते हैं। जब भी आपका मन करे कि डोसा खाने का मन करे जब भी, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं सूजी से। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही कम सामान में ये बन जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसका, मैं तोड़ के दिखाती हूँ इसे,
कितना सॉफ्ट बना है, खाने में भी बहुत यम्मी है, डिलीशियस है और हेल्दी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।